हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा फ्री कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। फ्री कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ हम एक आर एफ टूल्स लेंगे, क्यूपेड है। क्यूपेड के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे फ्री वाला कितना अच्छा काम करता है, या उसका बैकलिंक ठीक है कि नहीं, जितना मतलब आर एफ में जितना बैकलिंक वगैरह दिखाता है वो सारे सही है कि नहीं, ये फ्री में सही है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ देखने के लिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। अगर आपके पास आर एफ टूल नहीं है तो आप फ्री में भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी आज देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक कीवर्ड लूंगा फाइल ऐप पे और आर एफ टूल लूंगा, उसके साथ फ्री बैकलिंक चेकर, अब दो तीन टूल लूंगा जो फ्री कीवर्ड रिसर्च कराता है, अब कर सकते हो उसमें। तो मैं पेड क्यों लिया कि उसमें साथ कंपेयर करके अब बताएंगे उसकी बैकलिंक वगैरह ठीक है नहीं, जो जो आर एफ में दिखा रहा है उसके साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करके दिखाएंगे सारे थोड़ा बहुत ठीक है कि नहीं। तो जो भी है, मैं पहले एक कीवर्ड ले लिया, फेस मसाजर, इस कीवर्ड को मैंने ले लिया। अभी आर एफ में इसको मैंने सर्च किया तो इसको इंडिया की मैं एफिलेट मार्केटिंग डॉट इन अमेजोन डॉट इन में करता हूँ, तो इंडिया में सर्च किया इसको कीवर्ड। इसको जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है बिल्कुल इजी, आप जीरो बैकलिंग में इसको रैंक करा सकते हो, उसको 24,000 वॉल्यूम है, ठीक है। जो भी है, अभी इसको जो टॉप रैंकिंग साइट है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, पर्पल और स्नैपडील, बिट्रेल, नाइके, जो भी है, तो आप भी अगर इसमें आर्टिकल्स लिख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट लिख के रैंक करा सकते हो, तो आपको बैकलिंक का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्लॉग पोस्ट सही एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, और जो टॉप रैंकिंग 10 वेबसाइट है उसके साथ आपको थोड़ा बहुत आपका डोमेन पुराना होना चाहिए, और सब कुछ मिला जुला के करना पड़ेगा। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कीवर्ड रिसर्च पे। अभी देखो, इसमें फर्स्ट वाला रैंकिंग फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा में, और ये वाला बहुत पुराना वेबसाइट है, तो मैं इस वेबसाइट को लेता हूँ। इसका 22 बैकलिंक्स है, इस साइट का 22 और इसका 82 डियर है, कोई बात नहीं, तो ठीक है। अभी मैं इस कीवर्ड को देखते हैं, इसका बैकलिंक वगैरह बाद में चेक करते हैं। पहले इस कीवर्ड को मैं, इसको जो फेस में सजा जो कीवर्ड है, मैं इसको ऊपर सजेस्ट में देखता हूँ। अब इसको वॉल्यूम वगैरह कैसे देखा, इसमें मैं सर्च करूँगा इंडिया, इसके यूनाइटेड स्टेट, इंडिया में सर्च लूँगा इंडिया, इंडिया सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, इंडिया, अभी इस कीवर्ड को मैं ऊबर सजेस्ट में भी सर्च करता हूँ, उसके बाद मैं वर्डस्ट्रे में कीवर्ड रिसर्च टूल है इसमें भी मैं सर्च करता हूँ। इसमें मैं इस कीवर्ड डालता हूँ फेस मसाजर, उसके बाद मैं कंट्री सिलेक्ट करूँगा इंडिया, और ऑल इंडस्ट्री रखता अभी इसमें भी सर्च करते हैं। तो दो वेबसाइट, एक तो ऊबर सजेस्ट बिल्कुल फ्री है, और वर्डस्ट्रे जो वेबसाइट है उसमें भी फ्री है। मैं दो साइट में अभी इसको चेक कराता हूँ, देखो कौन सी साइट में कैसे इसका आ रहा है। उसके बाद मैं बैकलिंक पे जाता हूँ, उसमें दिखा है जीरो बैकलिंक, फिर भी मैंने एक बार बैकलिंक कहाँ कहाँ से बनाया, जो वेबसाइट है उसको एक बार चेक करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वर्डस्ट्रम में मेरे को दिखा दिया, ये भी इसमें 24K दिखा रहा है, मतलब जो भी है। अभी इसमें फेस मसाज, इलेक्ट्रिक फेस मसाजर 1300 है, बेस्ट फेस मसाजर 880 है, ठीक है, बेस्ट फेस मसाजर 880 है। इसमें फेस मसाजर करके ऐसे कोई कीवर्ड नहीं दिखा रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फेस मसाजर फॉर रिंकल्स, फेस मसाजर, इसमें देखो कितने रिलेटेड कीवर्ड्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसमें लो कंपटीशन, लो, हाई, मीडियम सब दिखा रहा है, जो मीडियम में लो है फर्स्ट वाला है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। अभी इसमें से मैंने एक चेक करना है, जैसे मैंने बेस्ट फेस मसाजर, बेस्ट फेस मसाजर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस आर एफ में जाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ और इसमें सर्च करता हूँ। देख, तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है और उच्च जो फ्री वाला में, उसमें सर्च वॉल्यूम सही है कि नहीं। इसमें 900 दिखा रहा है, इसको 12 बैकलिंक्स लेना पड़ेगा, इसका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी मीडियम है, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें मैं देखता हूँ वर्डस्ट्रम में कितना दिखा रहा है, 880। एक चीज़ देखो, सर्च वॉल्यूम इसमें दिखा रहा है 880 और इसमें दिखा रहा है आपको 900, मतलब लगभग ठीक है। मतलब अगर आप फ्री भी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो सर्च वॉल्यूम लगभग ठीक दिखा रहा है, ठीक है। अभी ऊपर सजेस्ट में देखता हूँ कि यार कितना दिखाता है,
ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ऊबर सजेस्ट में अभी तक नहीं दिखा रहा है कुछ भी, प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तब तक मैं इसको ही देख लेता हूँ, ये भी ठीक है। और इसको बैकलिंक वगैरह देख लेता हूँ, टॉप रैक की कोई वेबसाइट कौन सा है। इसमें ये वाला वेबसाइट है, इसमें 22 बैकलिंक लिया है, द फर्स्ट 20 मैसेजर इन इंडिया जो भी है। तो मैं थोड़ा बैकलिंक में जाता हूँ, फिर मैं फ्री बैकलिंक भी चेक कराऊँगा। ये बैकलिंक में मैंने क्लिक किया, इसमें 22 बैकलिंक्स बनाया। ठीक है, अभी ऊबर सजेस्ट में देखो रिजल्ट, इसमें आने में टाइम लग रहा है। तो ऊबर सजेस्ट में 1000 सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, तो इसमें जो सर्च है 1000 है। और वर्ड स्ट्रीम में दिखा रहा है जो बेस्ट फेस मैसेजर 880, और आपका दिखा रहा है जो आरएफ टूल है उसमें दिखा रहा था कितना, मैं एक बार बैक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें दिखा रहा था 900 लगभग। ठीक है, अभी हम ये चेक करेंगे जो बेस्ट वेबसाइट रैंकिंग, टॉप रैंकिंग वेबसाइट कौन सा है, एक बार देख लेता हूँ। उस वेबसाइट का जो बैकलिंग है वो बैकलिंग कितना है, कहाँ कहाँ से है, वो उसकी बैकलिंग को चेक करेंगे। तो आप देख रहे हो, अगर अपने फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लगभग लगभग सेम ही होता है जब आरएफ में चेक करो। अभी एक डाउट रह जाता है जो बैकलिंग है, तो ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का बैकलिंग मैं वह चेक करता हूँ। तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और इस वेबसाइट का मैं जो फेस मसाजर है इसका बैकलिंग मैं चेक करता हूँ फ्री में। कॉपी, अब बैकलिंक चेकर वेबसाइट कौन सा है, acureviewtools.com। ठीक है, इसको मैं या डोमेन डालूँगा .com जो भी है, और डोमेन है आई एम रोबोट में क्लिक करूँगा, और इसमें ये चेक परफॉर्मेंस में क्लिक करूँगा तो ये पूरा बैकलिंक दिखा देगा। तो और मैं इसमें तो 22 बैकलिंक है आरएफ में, एआरएफ है, आरएफ में 22 बैकलिंक को मैं एक बार चेक करूँगा, देखूँगा सारे बैकलिंक्स वगैरह सही है कि नहीं। ठीक है, तो और ऊबर सजेस्ट में मैं सिर्फ सर्च वॉल्यूम को चेक करने के लिए, क्योंकि ये 3 कीवर्ड रिसर्च फ्री देता है, फिर ये इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इसमें सारे जो सर्च वॉल्यूम वगैरह सही है कि नहीं। तो लगभग लगभग सेम है, 20-25 या 30 का फ़र्क इधर उधर पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है, मतलब आप फ्री कीवर्ड रिसर्च आराम से कर सकते हो। और एक टिक्स मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले इसको बैकलिंक में देख लेता हूँ बैकलिंक कैसा है। अच्छा, ये कहाँ आ गया, अच्छा ये वेबसाइट है। अब इसको जो बैकलिंक्स है, सारे बैकलिंक्स यहाँ आ गया, ये देखो बैकलिंक्स, ये कहाँ कहाँ से बैकलिंक है, डॉट्स और ब्रांड्स, हेयर डिट्रेल्स, पता नहीं, ये सारे बैकलिंक, ये जितने साइट से बैकलिंक लिया है सारे बैकलिंक आ गया। और इस फ्री कीवर्ड रिसर्च का जो खास चीज़ है, देखो इसमें डू फॉलो सब दिखा देता है, डू फॉलो, तो आप इसमें से आराम से अलग अलग करके डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक बना सकते हो। ठीक है, तो बैकलिंक ये हुए, बैकलिंक चेकर आप आराम से पहले कीवर्ड रिसर्च करना, फिर उसकी कौन सा बैकलिंक लिया वो भी बैकलिंक भी आराम से आप चेक कर सकते हो, और इसी साइट से आप बैकलिंक बना सकते हो। ठीक है, अभी वर्ड स्ट्रम में देखते हैं, इसमें बैकलिंक का कोई वो नहीं, मेरे से कीवर्ड रिसर्च दिख रहा है, इसका कंपटीशन लो है, इसमें भी लगभग लो नहीं बताया, मीडियम बताया, तो सर्च वॉल्यूम लगभग सेम बताया, लेकिन जो फेस मसाजर जो मेन कीवर्ड था जो मैं हम लोग रिसर्च किए थे, तो देखो इसमें भी सारे बैकलिंक्स दिखा दिया आपको, इसमें डू फॉलो नो फॉलो तो इतना नहीं दिखाया, लेकिन कहाँ कहाँ से बैकलिंक लिया वो भी दिखा दिया। तो जो भी है, तो इसको मैं जो फेस मसाजर जो कीवर्ड था वो 24,000 था, इसका जो कीवर्ड रिसर्च था, और इसमें था 27,000 जो बेस्ट फेस मसाजर नहीं, ओनली फेस मसाजर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ लगभग लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, आप फ्री में आराम से जो वेबसाइट, 2-3 वेबसाइट आप खोल लेना, कंपेयर कर लेना फ्री वाला कीवर्ड रिसर्च, उसमें से आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये चीज़ आप ये जो बैकलिंक acureviewtools.com, इसमें से आराम से आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट का जो रैंकिंग साइट है उसका बैकलिंक चेक कर सकते हो, और आराम से डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक अलग अलग बना सकते हो। तो ये है एक फ्री कीवर्ड रिसर्च का मैंने वीडियो बना, बहुत दिन से सोच रहा था बना दूँ, जिसके पास आरएफ टूल्स नहीं है उसके लिए है। तो वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।